तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, बेंजीन का। और जो बेंजीन दे रखा है सॉल्यूशन में वो हमें यहाँ पे 30% दे रखा है। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल सॉल्यूशन का जो हमारे यहाँ पे मास होगा वो हमारे यहाँ पे 100 ग्राम हो जाएगा, जिसमें जो हमारे यहाँ पे बेंजीन है, जो बेंजीन है वो हमें यहाँ पे 30% दे रखा है। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे 30 ग्राम हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 ग्राम हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हमें यहाँ पे दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेंजीन के मोल्स निकाल लूंगा, मोल्स ऑफ बेंजीन। तो इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। तो बेंजीन का मास तो हमें यहाँ पे गिवन है 30 ग्राम, बट मोलर मास हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इसके केमिकल फॉर्मूले से। तो जो यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, C6H6 होता है। तो कार्बन का जो मास होता है वो यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 72 + 6, तो टोटल हमारे यहाँ पे 78 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 30 ग्राम को 78 ग्राम पर मोल आ जाएगा यहाँ पे, एंड ग्राम से ग्राम कट जाएगा, आंसर हमारा किस में आएगा, मोल में आएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 30 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 78 से करना है। तो जो हमारे यहाँ पे 30 है वो हमारे यहाँ पे 78 से छोटा है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। 8 3 जा हमारे यहाँ पे कितना होता है, 24 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 कैरी चला गया। 7 3 जा 21 एंड यहाँ पे आ जाएगा 23। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 3 गए 6, यहाँ पे बचेगा 66। पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 8 से करना पड़ेगा। 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी चला गया। 8 7 जा 56 एंड 6 हमारे यहाँ पे आ जाएगा 62। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 10 में से 4 गए 6, 5 में से 2 गए 3, पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 4 से कर सकते हैं, 8 4 जा 32 का 2 3 कैरी चला गया। 7 4 जा 28 एंड यहाँ पे आ जाएगा 31। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 2 गए यहाँ पे बचेगा 8, 5 में से 1 गए यहाँ पे बचेगा 4 एंड 3 में से 3 गए यहाँ पे 0। तो ये हमारे यहाँ पे अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.385 मोल निकल के आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे किसके मोल्स निकाल लूंगा, अब मैं यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड के निकाल लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका जो मास है वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 ग्राम हो जाएगा। तो मास अपॉन मोलर मास होता है, तो मोलर मास हम यहाँ पे किसका निकालेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, जो कि हमारे यहाँ पे कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। क्लोरीन का हमारे यहाँ पे कितना होता है, 35.5, इसको हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखते हैं हमारे यहाँ पे कितना होगा, 12 + 5 = 20 का 0, 2 कैरी चला गया। 5 + 20 एंड 22, 2 कैरी चला गया। 4 6 = 12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 14। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 142 निकल के आ गया। 142 + 12 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 154 ग्राम पर मोल निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 154 ग्राम पर मोल। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यूनिट हमारी किस में आएगी, मोल में आएगी। अब मैं यहाँ पे 70 से डिवाइड कर लेता हूँ किसको, 154 को। तो पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 4 से कर सकते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे कितना था, 154 था। 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी चला गया। 5 4 जा 20 एंड 21 आ जाएगा, 2 कैरी चला गया। 4 1 जा 4 एंड 2 हमारे यहाँ पे आ जाएगा 6। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए यहाँ पे आ जाएगा 8। तो पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे 5 से कर सकते हैं, 5 4 जा 20 का 0, 2 कैरी चला गया। 5 5 25 एंड यहाँ पे आ जाएगा 27, 2 कैरी चला गया। 5 1 जा 5 एंड 2 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0, 14 में से 7 गए 7। इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं। 4 4 जा यहाँ पे 16 का 6, 1 कैरी चला गया। 5 4 जा 20 यहाँ पे आ जाएगा 21, 2 कैरी चला गया। 4 1 जा 4 एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 0.454 मोल निकल के आ गया। हमें यहाँ पे निकालना क्या, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हमें यहाँ पे किसका निकालना है, बेंजीन का निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक्स होता है, और बेंजीन का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, C6H6। तो इसका मोल फ्रैक्शन जो हम निकालेंगे वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 0.385 है, डिवाइडेड बाय ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.385। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये हमारे यहाँ पे कितने है, 0.454 है। दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 0.385, 0.454, 5 4 9 8 5 13 का 3 1 कैरी चला गया। 4 4 यहाँ पे आ जाएगा 8, 0.839। तो 0.385 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा,
0.839 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों में तीन डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है। अब मैं यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 385 डिवाइडेड बाई हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 839। तो डिवाइड करने से पहले मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 385 हमारा 839 से छोटा था। इसके बाद हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं। 9 4 36 का 6 3 कैरी चला गया, 4 3 12 एंड 3 हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 1 कैरी चला गया, 8 4 32 एंड यहाँ पे आ जाएगा 33। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 6 गए हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर यहाँ पे 14 में से 5 गए हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा, 7 में से 3 गए हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा, 9 5 45 का 5 4 कैरी चला गया, 5 3 15 एंड 19 1 कैरी चला गया, 8 5 40 एंड यहाँ पे आ जाएगा 41। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 5 गए 5, 13 में से 9 गए हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 4, 8 में से 1 गए हमारे यहाँ पे कितना बचेगा 7, 4 में से 4 गए 0। इसके बाद पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे 8 से करना पड़ेगा, 8 9 72 का 2 7 कैरी चला गया, 8 3 24 एंड 7 यहाँ पे आ जाएगा 31 3 कैरी चला गया, 8 8 64 एंड यहाँ पे आ जाएगा 67। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 1 गए 3, 14 में से 7 गए 7। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 0.458 एंड इसको अप्रोक्स में हम यहाँ पे क्या लिख सकते 0.459। तो यही हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकल के आ गया जो कि हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकालना था, किसका, बेंजीन का। तो बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हमारा कितना निकल के आया 0.459। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।